क्या आपको मालूम है कंप्यूटर माउस का इन्वेंटर कौन था? आखिर बर्बन नाम का ऐप इंस्टाग्राम कैसे बन गया? या इलोन मस्क ने कैसे एक एम्प्लॉय से टेस्ला जैसी कंपनी का मालिक तक का सफर तय किया? ये सारे जवाब चाहिए तो टीवीएफ का पिक्चर सीजन 2 देखो ना दोस्त। जब भी हम लोग के सपने छोटे हो जाते हैं ना, वैसे उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता है। देखो यार, कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। कुछ पाने के लिए कुछ पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं, बहुत कुछ लगाना पड़ता है और बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है। लेकिन Z5 पर रिलीज हुआ पिक्चर सीजन 2 एक ऐसा शो है जिसने इस पूरी कहानी को समअप कर दिया है। साल 2015 में जब पिक्चर का फर्स्ट सीजन आया था ना, तब ना तो इंडिया में इतना इजीली एक्सेसिबल इंटरनेट था और ना ही इतने OTT प्लेटफॉर्म्स। फाइल शेयर भी ब्लूटूथ से किया करते थे यार, याद करके देखो। रोज 1 GB भी आज जहां कम पड़ जा रहे हैं, वहां 500 MB 3G नेट भरवाने में 3 टाइम का खाना बंद करना पड़ता था। उस टाइम TVF एक ऐसा शो लेकर आया था जो सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करता था बल्कि आपकी जिंदगी में एक वैल्यू एडिशन करता था। नाम था पिक्चर। स्टार्टअप कल्चर इंडिया में हाल ही में इतना स्पीड पकड़े हैं, लेकिन उस स्टार्टअप कल्चर पर शायद टीवीएफ वो पहला कंटेंट क्रिएटर होगा जिसने एक शो बना दिया था। टाइम से आगे देखने की टीवीएफ की यही एबिलिटी उसको असली कंटेंट क्रिएटर बनाती है। पिक्चर्स 2 स्टार्टअप कल्चर की उस कहानी को आगे बढ़ाती है जहां नवीन, योगेंद्र और सौरभ नाम के 3 दोस्त अपनी कंपनी प्रगति AI को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मार्केट के बिग जायंट्स और एक बड़े सपने के साथ लड़ते हुए वो अलग अलग मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब कंपनी में तीनों के डिफरेंसेस काफी बढ़ जाते हैं और कंपनी बंद होने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन क्या ये तीनों उसको बचा पाएंगे? क्या उनको कोई एक्वायर कर लेगा यानी खरीद लेगा? और क्या कोई नया ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए पिक्चर सीजन 2 जरूर देखिए। सब बदल गया, गेम अलग है। अब इस सीजन में कुछ नए कैरेक्टर्स भी जुड़े हैं। फिर भी स्टार्टअप के बीच आने वाली वो सारी मुश्किलें हमको कुछ न कुछ सिखाती ही हैं। आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करके जाती हैं। पूरे सीजन में रियल लाइफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की कहानियों को भी एग्जांपल के रूप में बताकर आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन किया गया है। अब हाँ, कुछ टर्म्स इतने टेक्निकल हैं जो शायद बिजनेस समझने वाले लोगों को ही समझ आएंगे, लेकिन फिर भी स्टोरी के हिसाब से ये बहुत इंगेजिंग है। 1-1 घंटे के 5 एपिसोड्स धीरे धीरे आपको बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से इंट्रोड्यूस कराती है। इसके कई सारे डायलॉग्स भी उसी बात को सिद्ध करते हैं। एक MNC और एक स्टार्टअप के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, ये इसके कई डायलॉग्स आसानी से समझा देते हैं। जैसे इस वेब सीरीज का एक कैरेक्टर अपने एम्प्लॉयज को समझाते हुए बोलता है कि MNCs और स्टार्टअप में यही फर्क होता है, वहां दिन खत्म होता है तो काम खत्म होता है, यहाँ काम खत्म होता है तो दिन खत्म होता है, या अर्ली एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप। ये सारे ही डायलॉग्स आपको कहीं ना कहीं टच करते हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनके अंदर आज भी स्टार्टअप में जाने का मोटिवेशन है। इसका एक सीन है जहां एक एम्प्लॉय के माँ बाप सरकारी नौकरी के फेवर में होते हैं और बच्चे की प्राइवेट जॉब को लेकर खुश नहीं होते। वहां सौरभ सर उनको समझाते हुए कहते हैं कि हम यहां टाइम देख के काम नहीं करते, क्योंकि हम टाइम चेंज करने वाले काम करते हैं। हम ना यहां पे टाइम देख के काम नहीं करते क्योंकि हम टाइम चेंज करने वाले काम कर रहे हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, जिसके जवाब में उसके पापा का डायलॉग है, सर जी उतार चढ़ाव ना शेयर मार्केट में आता है और हम FD कराने वाले लोग हैं। यानी अपने देश की उस सोच को ये बताता सीन है जो अभी भी एक बड़े वर्ग के अंदर है। एक एपिसोड में इसका एक कैरेक्टर कहता है कि कमर टूटने का इलाज तो हो सकता है लेकिन हिम्मत टूटने का नहीं। वो एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी का असली सच है। आइडियाज आर नथिंग बट अ कमोडिटी, एग्जीक्यूशन इज द वन हु एड्स वैल्यू टू इट। या काम में स्ट्रेस तो होता ही है, पर स्ट्रेस में कोई काम नहीं होता। यानी इसका एक एक डायलॉग काफी ध्यान देकर लिखा गया है जो कम शब्दों में ज्यादा बता दे। मुझे पर्सनली ये शो बहुत पसंद आया क्योंकि ये कोई टिपिकल एंटरटेनमेंट शो नहीं है जहां कोई हीरो है या कोई विलेन है। यहां कोई फालतू का ड्रामा और शोशाबाजी भी नहीं है। ये रियल लाइफ मुश्किलों के बीच खड़े हर उस एंटरप्रेन्योर की कहानी है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। वैसे तो सारे ही कैरेक्टर्स इसमें तगड़े हैं, लेकिन मुझे सौरभ मंडल का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। जिस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल करता है और जितने काम तरीके से करता है, वो बताता है कि बिजनेस एक टीम एफर्ट से होता है, ना कि इंडिविजुअल ईगो से। ये इस बारे में भी बताती है कि बॉस बनने के लिए पहले एम्प्लॉयज को समझना पड़ता है। हायर करने की पावर भले हाथ में हो, लेकिन किसको हायर करना है ये समझ सिर्फ एक्सपीरियंस ही देती है। सब मिलाकर ये एक ऐसा शो है जो आज के इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है और ना ही कोई सिर्फ ऐसे ही बना दिया गया शो, बल्कि एक शुद्ध एंटरटेनिंग सीरीज है और सही मायने में यही असली कंटेंट है। वैसे जीतू भैया इसमें है या नहीं वो तो देखने पर ही मालूम पड़ेगा, हम स्पॉइलर क्यों ही दें। लेकिन हाँ, एक सजेशन दे सकते हैं कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको जरूर दबा देना। और हाँ, बाकी आपने अगर पिक्चर 2 देख ली है तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में भी बता देना। बाकी मिलते हैं जल्दी। टाटा, बाय बाय एंड जयराम जी की।